अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस, सुबह का आगाज़ हो गया है, सुबह के कोई 12 बज रहे हैं। आज आप ही का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक आप ही ने व्लॉग जो है ना स्टार्ट नहीं लिया था, तो मैंने कहा चले मैं यहाँ से व्लॉग स्टार्ट ले लेता हूँ। दूसरा ये है कि सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा हो रहा है, आप ही गई है नाश्ता बनाने, तो पाने छाने भी ना रले तो लगेगी। ठीक है, आप लोग बोलते हो ना कि काम नहीं करती, बहुत काम करती है तुम लोगों को क्या पता। अच्छा, दूसरी बात तो ये करनी थी कि काफ़ी लोगों के ना कमेंट्स आ रहे हैं कि डीडी ने जो है ना सनिया से सिर्फ शादी भी इसलिए की है कि वो जो है ना सहमा के साथ शादी फिर कर सके। यार मतलब क्या 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 कहना क्या चाहते हैं, क्या पहन चुका की है मतलब सो यार। मतलब एक बंदे को मैं बहन बोलता हूँ, ठीक है शादी हो गई जो होना था, जब वो बंदी आप देखे ना, काफ़ी डेज से मैंने ना सहमा आपी को रोक दिया कि कोई रिएक्शन नहीं देना, कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ अपनी ब्लॉगिंग करनी है, अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने, चलता है चले, नहीं चलता तो ना चले, ठीक है ना। वो हमारा नसीब है, जो हमारा नसीब में लिखा हुआ है, जो रिस्क पर लिखा हुआ है ना, वो हमें मिल के रहेगा, ठीक है ना, और जो नहीं है वो हमें नहीं मिलेगा। तो वो अपने ब्लॉगिंग कर रही है, तो बिला वजह की तनकीद करना और ये चीज़ें करना, तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि यार ये चीज़ें बंद कर दो, ठीक है। और मैं उनको बड़ी बहन बोलता हूँ, तो खुदारा जो है ना हमारा ये रिश्ता तो ज़रा इसको सीधा रखें, ठीक है। ये चीज़ें भी ये जो जो भी बकवास कर रहे हैं ना, फिर हम बताए मसला क्या है, जब हम कुछ बात करते हैं तो फिर बोलते हैं जी इन्होंने बात की है, अब हमारी तरफ से कोई भी बात नहीं हो रही, हम लोग चुप हैं, सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद फिर आप लोग तीलियाँ लगाए जा रहे हो, तो ये चीज़ें ना करें प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। मैं एज अ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ और तो कुछ नहीं, क्योंकि देखें ना काफ़ी लोग हैं जो हमें प्यार भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, सारा कुछ। काफ़ी दफ़ा मुझे इंस्टा पे मैसेज आते हैं कि दिलवर भाई, जो हम लोग आपके ना शुरू से ब्लॉग देख रहे हैं, हमने कभी भी आपको कमेंट्स नहीं किया। ये वो चंद एक लोग होते हैं, 2-4% जो फिर वो ना आग लगाने आ जाते हैं, क्योंकि वो बात तो वही है कि जैसे मैं अपना ही बोल देता हूँ कि हम भी अपने घर से सालन लेके आते हैं रोटी, तो हम भी यहाँ खाते हैं। आज पूरे ब्लॉग में यही चलेगा कि हम लोग घर से चिकन लेके आए थे और जो है राइस भी लेके आए थे। इन्होंने कुकिंग किया ना, अगर मैं वाईटी पे दिखाऊं तो वाईटी भाग जाए, यकीन करो, पता नहीं क्या बनाते रहे। क्या जबरदस्त कुकिंग की है, आपको समझ पर राइस की समझ नहीं आई, नहीं है ना, यही तो चीज दिखानी थी कि राइस की समझ ही ना आए कि बना क्या है, ये खा क्या रहे, ये खा क्या रहे, यही चीज तो मैंने बनानी थी, तुम्हें क्या पता। इस एक ना ये थाईलैंड की रेसिपी है बस, ये वो अनारकली की तरह, इसे थाईलैंड से पीछे कोई नहीं मिला। तो अनारकली कौन है, अनारकली है शॉप है ना, उसे जो भी चीज लेने जाइए तो थाईलैंड की है। चलो बस मैं भी वो यजमान में आ गया तो फिर मुझे भी वही चीज लेंगे, दिखा देंगे, उससे पीछे कोई चीज मिलती नहीं है। तो गाइस बस ये कुछ छोटी सी सिचुएशन थी, अल्लाह आप सबको खुश रखे और हमारे हक में भी दुआ कीजिएगा, हम भी आप लोगों के हक में दुआ करते हैं, लेकिन रिश्तों की थोड़ी तरतीब रखें, ठीक है ना, खुदा के लिए रिश्तों को ना बिगाड़ें। अलबत्त ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सहमा आपकी मैरिड है, अल्लाह इनको अपने हस्बैंड के साथ ऐसे हंसता मुस्कुराता और खुश और आबाद रखे। ये तनकीद जो है ना सनिया के ऊपर की जाती थी कि वो आपको भाई बोलती थी, ठीक है। तो मैं आज ये चीज़ मैंने पहले भी खैर कई दफ़ा क्लियर की, आज भी करता जाऊँ कि जो है ना जब तक आपका किसी के साथ रिश्ता ना हो तब तक आप उसको भाई बोल सकते हो, ये ठीक है ना, इस पर कोई वो नहीं है, ठीक है। अब माँ के पेट से तो नहीं वो लिखा आता कि जी ये फलाने का हस्बैंड है, ये फलाने का हस्बैंड है, ये जी नाश्ता मैंने आज बनाया खुद, ये हम अपने घर से लाते हैं। तौबा, ये सालन आज पहले दिन ले आए हैं, पर तौबा, कुछ भी हो हम लेके आए ना, लेके तो आए, ये माने आए है साथ में लस्सी। हाँ जी, अच्छा भाई ऐसी बहन कहाँ मिलेगी आपको, माशाल्लाह से साग, उसके ऊपर देसी घी, फिर देसी घी में रोटी और सालन, साथ में लस्सी, मैं कहना दिल नहीं खुश हो गया। खुश किस्मत है आपको ऐसे ससुराल मिल गए, तो अब धूप भी निकल आई, बारिश तब धूप, इधर से बाहर बारिश भी हो रही है, इधर से ये समझ नहीं आ रही, अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा देखो। चलो जी खा रहे हैं, आज आप कहाँ जा रही हैं, हम तो शादी पे जा रहे हैं, हम भी शादी पे जा रहे हैं, आप कौन शादी पे जा रहे, मेरे भाई की शादी है, मेरे भी कजन की शादी है, आप अपनी शादी अटेंड करें, फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह, ओके जी, नाश्ता फिर इधर, नहीं अम्बली में कहाँ कहेंगे, चलो शुक्र है, कल का दिन हमारा भी जान छूट जाएगी, लेकिन मजाक करी थी तो मेरे भाई के लिए सारे घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं, तो खा लें आप, फिलहाल भूख लगी हुई है जी। आज अब मैं बनाने लगी हूँ चाय, ताकि आप लोग कह रहे थे कि मैंने कहा चलो मैं दिखा दूँ कि आप लोग कहते काम नहीं कर रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह से घर का काम मैं भी करती हूँ, तो अब मैं चाय बनाने लगी हूँ, तो एक बात है चाय भी माशाल्लाह से मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ,
और इसके बाद दोनों माशाल्लाह से कपल, न्यू कपल बोला जा सकता है, मेरे ख्याल में शादी में गए हैं, तो उनको शादी में इनवाइट किया था तो मैंने उनको प्यार किया तो वो चले गए हैं। तो बाकी अब हम तैयार होंगे, हम लोगों ने शादी पे जाना है, तो फिर मैं आज आपको अपना ड्रेस और क्या बोलते हैं ड्रेस भी दिखाऊंगी और कि मैंने कौन सा ड्रेस पहना, और हनु हनु का भी देखना, भी हनु का लाजमी देखना, हर हाल में हनु का ड्रेस देखना। हनु वो कह रहे हैं हम देखेंगे हानिया को, हानिया तो क्यूट बच्ची है, तो उसके अलावा क्या बोलते हैं, हाँ देखो हमारे पास तो जो होता है वो हम आप लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है ना, कि ये हमारी रूटीन है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, तो हमने तो कभी झूठ नहीं बोला, सीधी सी बात है भाई, ताकि सच बोलते हैं तभी तो सबको बुरा लगते हैं। तो उसके बाद रह गई बात क्या बोलते हैं, हाँ फिक्र तो वो लोग करें ना कि एक वीडियो बना लेते हैं फिर अगली सोच रहे हैं कि अगला क्या झूठ बोल रहे हैं, अगला क्या न्यू कट्टा खोल रहे हैं, अब YT पे न्यू क्या बात फैलानी है। तो हम लोग तो भाई हमें तो इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं चाहिए, जितने आते हैं हनु बेटर रुक जाओ, उतने में हम लोग खुश हैं, तो सच बोलते हैं, तो इसलिए सच यानी कि वक्ती तौर तो सच बेचारा स्लो चलता है लेकिन फिर काफ़ी उसकी ना रफ्तार तेज़ हो जाती है। ठीक हो गया, तो अब मैं चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद फिर होते हैं हम रेडी, हनु को भी तैयार करना है और ख़ुद भी तैयार होना है, मम्मा को भी तैयार करना है, तो इसके अलावा और कुछ नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि वो लोग फिक्र करें जो झूठ बोलते हैं, हमें तो कोई टेंशन ही नहीं, हम दुनिया भी देख रही है हम सच बोल रहे हैं, अल्लाह भी जानता है कि हम लोग सच बोल रहे हैं, फिक्र तो वो करें ना जिनका रिज़्क़ अल्लाह मियाँ ने अल्लाह ताला उनको कितना नापसंद किया जिनका रिज़्क़ ही झूठ पे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है जो है सच है, सच बोलती हूँ, जो करती हूँ वो बोलती हूँ, जो नहीं करती वो कह देती हूँ ये मैंने नहीं किया। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर अपने पर फ़ख्र है, मैं ये नहीं कहती फलां की लाइफ में नहीं घुसती, फलां की ज़िंदगी में नहीं घुसती, फलां की किसकी 50 शादियां हुई हैं, किसी की 40 शादियां हुई हैं, किसी की 2 हुई, किसी की होने वाली हुई है, भाई जिन्होंने ये बात की होगी तो वो दूसरा उन्होंने मेरा इंतज़ाम भी किया होगा, मौलवी साहब को भी लेके आए होंगे, और उसके बाद क्या बोलते हैं वो फिर मेरा निकाह भी उन लोगों ने करवाया होगा, और उसके बाद क्या बोलते हैं सारा इंतज़ाम भी किया होगा, ठीक है, साथ बैठ के सारा कुछ करवाया होगा जिन्होंने ये न्यू कट्टा खोला, अल्लाह उनका भी भला करे, अल्लाह हिम्मत दे सबको सच बोलने की। तो माशाल्लाह हानिया बिल्कुल रेडी हो गई है और बहुत प्यारी मेरी बेटी पर, दिखाओ ये मम्मा ने मेकअप किया, दरअसल हमारे दांत चले गए हैं दांत की वजह से, हाँ है थोड़ा सा बेटा घूम के दिखाओ, ये देखिए मेरी प्रिंसेस, और ये माशाल्लाह से मेरा ड्रेस है, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, ये मेरा ड्रेस जबरदस्त, सॉरी शूज मैंने चेंज नहीं किया, शूज मैंने हील वाला पहनूंगी, तो ये मेरा ये देखो जी, अब हम जा रहे हैं शादी पे, और शादी पे जाके इंजॉय करेंगे, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, ये काफ़ी अच्छा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, हनु बाय बाय बोल दो, बाय बाय।